गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल को बायोलॉजी विथ सोनाली ने। तो आज आम प्लस टू फर्स्ट ईयर जोटा क्लास इलेवेन रो प्रथम चैप्टर अच्छे द लिविंग वर्ल्ड तार मु सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनोमी नहीं कि आसी। या पूर्वर आम डिस्कस करते थ्री डोमेन लाइफ कौन एवं विभिन्न प्रकार ब्रांचेस मान विषय भी डिस्कसन करूँ, लाइफ विषय जानूँ, डायवर्सिटी क्या कहुए ता विषय जानूँ। तो आज अधिक जानवा सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनोमी विषय, एटा संपूर्ण भाव में सब्जेक्टिव अच्छे जोटा कि तुम प्लस टू रे काम देव। और जमीक मुझे प्रिवियसली कही तुमको मुझे नीट पर बायोलोजी मुझे गाइड करी से मन रखित आम नीट बा मेडिकल जेको एम्स किंवा जिपमर परी आम मेडिकल एंट्रेंस प्रिपेरेसन होमको सबुठ प्रथम मो गोटे कथा मन रखित सब्जेक्टिव को बेसी ध्यान देव, ऑब्जेक्टिव को कम ध्यान देव। आगो तुम जब चैप्टर टा को क्लियर हो तुम ऑब्जेक्टिव रो जेकोसी एनसर दे पार। मुझ ऑब्जेक्टिव तुम पाखे आनबी, ऑब्जेक्टिव बहुत शीघ्र मुझे क्लास करी। किंतु ता पूर्व तुम जब जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास जो मैंने सब्जेक्टिव विषय क्लियर है ना, तुम जाइ प्लस टू फर्स्ट जो अच्छी मो प्ले स्टोर जो अच्छी प्लस टू फर्स्ट संपूर्ण कोर्स जाइ देख। और प्लस टू सेकेंड इयर भी सब्जेक्टिव जोटा आनी ध्यान दि मन रखित बायोलॉजी रो प्लस टू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जहाँ तुम सिलेबस अच्छी ताकू ही तुम एंट्रेंस रे एग्जाम रे पड़ो। तेणु तुमको एंट्रेंस एग्जाम पाई मध्य एटा काम देव। ता छड़ा तुम जितेबाला तुम बोर्ड एग्जाम भी देव, तुम बोर्ड एग्जाम रे मध्य मन रखित प्लस टू जो एग्जाम रे भी तुम ऑब्जेक्टिव रु बहुत क्वेश्चन आसे। तेणु आम जब ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करवा तेल तुमको सब तुम जहाँ भी एंट्रेंस दे पार सब एंट्रेंस तुम बोर्ड एग्जाम सबुति साहय कर। तेणु आज तुम सब्जेक्टिव विषय देखा वर्तमान एवं यार ऑब्जेक्टिव तो मुझे लोड करदेवी ताकू तुम देख। तो जानवे सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनोमी कौन एथपूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर और जदि वीडियो पसंद आसला निश्चय लाइक कर एवं बेल आइकन को प्रेस कर रख। तो प्रथम जानवे सिस्टमेटिक्स कौन मन रखता तुम अंडरलाइन कर और यहाँ तुम पज करके डिटेल नोट्स कर पार। जो सिस्टमेटिक्स कौन सिस्टमेटिक्स को सबुठ प्रथम किए प्रपोज करते लिनियस कार्लोस लिनियस कह जाए 1735। ठीक अच्छे 1735 सिस्टमेटिक्स को कार्लोस लिनियस लिनियस प्रथम प्रपोज करते। इट इनक्लूड्स डिस्क्रिप्शन अफ एक्सटर्नाल मोर्फोलोजिकाल क्यारेक्टर अफ प्लांट्स और लिविंग अर्गानिजिम। जमीक मोर्फोलोजिकाल क्यारेक्टर कौन तुम जान पूर्व कही तो मोर्फोलोजी कौन तुम जो ब्रांचेस विषय पढ़े से कही मोर्फोलोजी मान कौन मोर्फोलोजी हूँ स्टडी अफ एक्सटर्नाल क्यारेक्टर। गोटे आम प्लांट हो कि एनिमाल हो तार एक्सटर्नाल जो अर्गान गुड़िक अच्छी जमी से एक्जामपल दे देख रूट हो स्टेम लिफ फ्लावर एगुटा कौन आम आखिरे देखिपर एटा हूँ एक्सटर्नाल अर्गान। तो यही जिनस गुड़िकर तुम क्यारेक्टर गुड़िक आखिरे रखिकिना कौन कराई से डेस्क्राइब करते डेस्क्राइब करते। दिस डेस्क्रिप्शन इज यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप एमंग प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर द्वारा कौन हुए से गोटे रिलेशनशिप तैयारी कले। अर्थात मनकर मुझे दुटा एग्जाम्पल देवी जदि आंब गछ नेबा एवं नड़िया गछ नेबा तो दु जनकर जदि आमे जदि एक्सटर्नाल को लक्ष्य करवा तो तुम जान आंबर डाल शाखा बहुत अच्छी किंतु नड़िया गछरे डाल शाखा ना। तेणु यहाँ से डिसिमिलारिटीज देखागला किंतु आंब गछ जमी डेगा अच्छे नड़िया गछ भी सेमती डेगा अच्छे से सिमिलारिटीज देखागला। अर्थात दुईटा गछ हो कि सेमती दुईटा प्राणी को ना आम से दुईटा प्राणी भितर सिमिलारिटीज कौन डिसिमिलारिटीज कौन ताको केमती आम लक्ष्य करवा हुए तो डेगा कि गेड़ा कि मोटा कि पतला कि मारी ग्लांड सरी जदि मान लोमोस उद्भिद लोमोस प्राणी कि ना से माने चारिटी गोड़ हाथ अच्छी कि ना यही प्रकार विभिन्न प्रकार जो एक्सटर्नल क्यारेक्टर अच्छे देखिए भितर इंटर रिलेशनशिप को क्रिएट करवा। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा आम द टर्म सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन आर आफ्टर हेल्ड एज साइनोनिम बट टेक्निकली दे कैरी डिफरेंट मीनिंग। मन रखित सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी आउ क्लासिफिकेशन को आमको लागे जमती भितर सिमिलारिटीज अर्थात से तीन टार मान सामान थी किंतु प्रकृत जदि आम देखा टेक्निकाली टर्म्रे देखा एगुड़ाक अच्छे डिफरेन्ट यहाँ मन रखे यहाँ ऑब्जेक्टिव तुम प्रायत जो एमती पढ़े जे सिस्टमेटिक्स कौन टैक्सोनॉमी मन कर गोटे किसी गोटे डेफिनेसन टे एक कौन कह जाए सिस्टमेटिक्स कह जाए कि टैक्सोनॉमी कह जाए कि क्लासिफिकेशन कह जाए जदि आम कनसेप्ट क्लीयर ना तो आमको तीन टा जाक ऑप्शन सामान लगे।
ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନିଓ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଅର୍ ନିଓ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅର୍ ବାୟୋ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଟ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ ଜୁଲିଆନ୍ ହାକ୍ସଲେ କେତେ 1940 ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଜୁଲିଆନ୍ ହାକ୍ସଲେ ରେ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନିଓ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ନିଓ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଏବଂ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ଅ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଟୋମିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ଆନାଟୋମିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଦ ଟୁ ନୋ ଦ ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସାଇଟୋଲୋଜିକାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ସାଇଟୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ସାଇଟୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍ ତ ତାଙ୍କର ସେଲ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ହଉ ଯେଉଁଟା ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି କରିକି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବା ସେଇ ଦୁଇଟି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି କାର୍ଲୋସ୍ ନିଲିୟସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ତମେ ଲେଖିପାର କାର୍ଲୋସ୍ ନିଲିୟସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି ତମେ ତାକୁ ପୋଜ୍ ମାରିକି ଲେଖିପାର ଏ ସାଣ୍ଟା ପାଓ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି ମନେ ରଖିତ ଟାକ୍ସୋନୋମି ଯଦି ଖାଲି ପଢ଼ିଲା ତାହେଲେ କାର୍ଲୋସ୍ ନିଲିୟସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ ସାଣ୍ଟା ପାଓ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି କହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି ଠିକ୍ ଅଛି ଟାକ୍ସୋନୋମି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ମନେ ରଖିତ ଟାକ୍ସୋନୋମି ତିନି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲଫା ବିଟା ହିସାବରେ ନେଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଲଫା ବିଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆଣିଯିବା ଆଲଫା ବିଟା ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଫେର ଯିବା ଇନ୍ ଏ ଆଲଫା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଓନ୍ଲି ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥାଉ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ବିଟା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଇନଭଲ୍ଭ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ସାଇଟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପଲିନୋଜୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି ଆସିଲା ତା'ର ହୁଏତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ବି ନିଆଯାଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ସରି ତା'ର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ର ତା'ର ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନିଆଯାଉ ତା'ର ସେଲ୍କୁ ନିଆଯାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ନିଆଯାଉ ତ ଏଇସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ହେଲା ବିଟା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଟା ଟୁ ଡେଭଲପ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଓମେଗା ଟାକ୍ସୋନୋମି ତ ଓମେଗା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବର କିଛି ଗୁଣଟା ଥିବ ପରେ ସେଇଟା କେମିତି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକିନା ଫେର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁଣ ଆସିଥିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଦେଖିକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେସନ୍ କରାହେଲା ତାକୁ ହେଲା ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓମେଗା ଟାକ୍ସୋନୋମି ତ ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କି କେତେ ପ୍ରକାର ଟାକ୍ସୋନୋମି ଅଛି ବିଟା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଲଫା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓମେଗା ଟାକ୍ସୋନୋମି ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ତୁମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିପାରିବ ବେଟା ଆଲଫାଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ବା ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ଦେଖିକି ରଖାହେଲା ବିଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟା ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇଟୋଲୋଜିକାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିନୋଲୋଜିକାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ହେଉ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାହେଲା ଏବଂ ଓମେଗାଟା କ'ଣ ହେଲା ଓମେଗା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ନେଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଦେଖାଗଲା ବା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦେଖାଗଲା ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇଲୋଜେନିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଇ ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କାହା ଭିତରେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ କି ক্লাসিফিকেশন ইজ দ প্লেসিং অফ অ্যান অর্গানিজম অর এ গ্রুপ অফ অর্গানিজম ইন ক্যাটেগরি একর্ডিং টু এ পর্টিকুলার সিস্টম অ্যান্ড ইন কনফর্মিটি উইথ এ নোমেনক্লেচার সিস্টম নিউ টাক্সোনমিজ ইজ মেইনলি বেসড অন ইভোলিউশনারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জেনেটিক রিলেশনশিপ
मनोहित न्यू क्लासिफिकेशन कहार उपरे मेनली से कहार उपरे फोकस कला इवोल्यूशन उपरे अर्थात पूर्व नहीं वर्तमान पर्यंत जैव विविधता जो है तार इवोल्यूशन को लेकिन से मत कला एवं जेनेटिक रिलेशन अर्थात से मानक भितर वंशानुक्रम जो गुणटी अच्छी ताकू देखी कंपेयर करना कराला आउ कौन है आज कंपेयर टू मोर्फोलोजिकल कैरेक्टर ठीक अच्छे तापर देखियो हमें साइटोटैक्सोनोमी कौन साइटोटैक्सोनोमी कौन द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन और सॉल्विंग टैक्सोनोमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनोमी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर इंक्लूड एन इंपोर्टेंट एड टू प्लांट टैक्सोनोमी स्पेशली इन डिटर्मिनेशन अफिनिटी ऑफ द जेनेरिक एंड इंट्राजेनेरिक लेवल तर देखो केमो टैक्सोनोमी कौन द यूज ऑफ द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट फॉर क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टैक्सोनोमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड केमो टैक्सोनोमी अर्थात केमिकल कंपाउंड को लेकिन केमो टैक्सोनोमी को प्लांट को प्रकार केमिकल कंपाउंड बा तार कंपाउंड टा केमती तैयारी ताकू लेकिन केमो टैक्सोनोमी इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट द बेसिक केमिकल कंपाउंड यूज इन केमो टैक्सोनोमी आर अल्कलॉइड कैरोटीनॉइड टैनिन पॉलीसैकेराइड न्यूक्लियर एसिड फैटी एसिड एमिनो एसिड एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा तो यही सब को लेकिन कहला केमो टैक्सोनोमी तब देखा कारियोटैक्सोनोमी इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम पैटर्न ऑफ क्रोमोजोमल बैंड जोड़ा हूँ डार्क बैंड आउ लाइट बैंड तुम जो आग को पढ़व से जानव डार्क बैंड आउ लाइट बैंड कौन तक भितर केमती रिलेसन अच्छी ठीक अच्छे इज द मोस्ट स्पेसीफिक कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गानिज्म तब टैक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लोजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गानिज्म तो तुम टोटल जान लो कौ प्रकार टैक्सोनोमी अच्छी कार्यो टैक्सोनोमी कौन साइटो टैक्सोनोमी कौन एवं केमो टैक्सोनोमी कौन आम जानलु तो आज क्लास ये अच्छी नेक्स्ट क्लास अधिक पढ़ा थैंक यू।